हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत विविध। पहले में हमने साहित्य पढ़ा था और इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए, जो दिल्ली सल्तनत में फेमस थी, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। दास्तान बंदान कहलाते थे, उलेमा सुमेलित करना है, यात्री दिए हुए निर्देश दिया हो। मार्को पोलो इटली, अब्दुल रज़ाक ईरान, नूनीज पुर्तगाल। इधर सुल्तान दिए हुए हैं, इधर राज्य दिया हुआ है। बहादुर शाह गुजरात, चांद बीवी बीजापुर, रजिया सुल्तान दिल्ली, बाज बहादुर मालवा। यात्रियों के भारत आगमन का अनुक्रम बताना है इसमें। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पहले आए अलबरूनी, फिर इब्ने बतूता, ट्रेवनियर, मनुची। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना दी गई किसके द्वारा दी गई थी? सदरुद्दीन मोहम्मद ओफी द्वारा। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है, वह था कौन था? वो इब्ने बतूता। इधर लेखक दिए गए हैं और इधर ग्रंथ दिए गए हैं। कृष्णदेव राय अमुक्त्या माल्यद, महेंद्र वर्मन मत्विला संप्रहसन, भोजदेव समरांग गण सूत्रधार, सोमेश्वर मानसो उल्लास। घटनाओं का सही कालानुक्रम, कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था पहले, फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, पुर्तगालियों का भारत आगमन और विजयनगर के कृष्ण देव राय का शासनकाल। घटनाओं का सही कालानुक्रम, तराइन का द्वितीय युद्ध, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, अफगानपुर षड्यंत्र, मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। इस सती प्रथा, बाल विवाह तथा जौहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी, जौहर प्रथा। इधर युद्ध दिए हैं, इधर इनका समय दिया गया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी सन, कलिक का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व, अल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी सन, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी सन, चंदावर का युद्ध 1194, तैमूर का आक्रमण 1398, तालिकोटा का युद्ध 1565, घाघरा का युद्ध 1529। इधर शासक है इनके प्रमुख कार्य, अकबर आइन ए दहशाला, मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिस चहलगानी अमीर, शेरशाह सड़क ए आजम। दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसने सबसे कम समय तक शासन किया, खिलजी वंश। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने जिन शासकों के अधीन सेवा की थी वे थे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। वह मध्यकालीन विद्वान या लेखक जो जैन धर्म का अनुयायी था, हेमचंद्र सूरी। मध्यकालीन भारत में महतर और पट्टकिल पदनाम प्रयुक्त होते थे ग्राम मुखिया के लिए। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था मक्का की। तो गाइस, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत कम्प्लीटली फिनिश होता है। ओके, बाय।